अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैर वाले कैम छो, मैं हूँ आपका शेबू राजा का नया ब्लॉग लेके। आज का मेरा ब्लॉग रहेगा देवनार बकरा मंडी का। और मेरे को बहुत से लोग के मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि तुम देवनार का बकरा मंडी का ब्लॉग करो, और उन लोगों का काफ़ी टाइम पहले मैसेज आ गया, और अभी आके मेरे को होश आएगा मेरे को ब्लॉग करना चाहिए। और अभी ईद आने के लिए एक से दो दिन बाकी रहेगा, और मैं अभी अर्जेंटली निकल गया हूँ। लाइक हम लोग देवनार तो पहुँच गए, अभी जाके देखते हैं। और इसी के अंदर मेरे घर वाले लोग ने बोला कि जा रहा है तो वहाँ पर देख लेना बकरा, अगर कोई बजट में मिलता है तो वहाँ से ले लेना। अब मेरे को ये नहीं मालूम है क्या बजट में मिलेगा, अभी जाएंगे और देखेंगे क्या देखने मिलता है और क्या नहीं। सो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं क्योंकि अंधेरा होने वाला है, और चलते क्या बजट में मिलता हो क्या नहीं। और मैं आपको स्टेप टू स्टेप हर एक चीज़ बताता हूँ कि क्या रेट में चल रहा हो क्या नहीं। खस्सी अंडोल जो भी रेट में चल रहे हैं वो जाके देखते हो। और आज हमारे साथ में हमारे मंसूर भाई जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, हमारे ब्लॉग बनाते हैं, अभी जो कैमरा पकड़ के खड़े हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं देखते हैं क्या देखने मिलता हो क्या नहीं। बकरों के बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जो चलना नहीं चाहिए वो चल रहा है, कि समझ में ना एंडिंग में उल्टे लोग का भाव बढ़ गया है इधर, कि समझ में नहीं आ रहा है। और मैं जो पसंद किया एक दो बकरे उसका प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा रहा है, सबका प्राइस इतना बता रहा है कि जितनी उसकी कीमत नहीं है। इतना हैरान परेशान हो गए लोग, घूम ही रहे इधर से उधर इधर से उधर, हर एक मंडी में घुस के आए। अभी आगे जाके देखेंगे कौन सी एक मंडी, एक दोस्त ने बोला कि वहाँ पर शायद रिजनेबल रेंज में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके मैं देखता हूँ कि क्या रेट में मिल रहा है। कोई चलो इन देखते हैं क्या देखने मिलता है। ओके सो गाइस, मैंने ये बाय कर लिया ये मंडा, और ये मेरे को पड़ा कुछ 16,000 में आफ्टर बार्गेनिंग के बाद में। ये मंडा है एक्चुअली ब्लैक कलर है, इसकी हाइट बॉडी भी अच्छी है माशाल्लाह, और ये मेरे को कुछ बार्गेनिंग करने का 16,000 का पड़ा, वही अंकल से मैंने खरीदा। ओके सो गाइस, पूरा गोवंडी हम लोग घूम लिए, और एक हम लोग ने मेंढा भी बाय कर लिया जो मंसूर भाई ने पकड़ के खड़े हुए। मैं यहाँ पे आया, मैं बोला लास्ट एंट्रो दे देता हूँ, लास्ट शूट दे देता हूँ, फिर देन यहाँ से निकलते, क्योंकि हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। मेरे पैर देख सकते हो आप, पूरे मट्टी में हो गए और ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई, और यहाँ से भी निकलते क्योंकि रश भी बहुत हो रही, रात भी बहुत हो गई है। हम लोगों ने मेंढा ले लिया हुआ है, अभी हम लोग को भाई जाके ट्रक करना है, मतलब जो भी छोटी गाड़ी करना है वो गाड़ी करके यहाँ से निकलना है, क्योंकि हालत ठीक नहीं लग रही। आप थक गए बहुत घूम घूम के, तो फाइनली करके मिल गया, मतलब जैसा मेरे को चाहिए था वैसा मिल गया, और वो रेंज में मिल गया मेरे को। ये 16,000 का पड़ा, वो भी बार्गेनिंग करने के बाद में, मतलब मेरे को उसने कितना बोला था मालूम है, 30-40 बोला था। मैंने धीरे धीरे बार्गेनिंग करते 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 जो हाँ 16,000 पे आया, 16,000 में मैंने उसको डन कर दिया। डन करने का अभी लेके जाना है घर पर, और सबको दिखाना है कि पसंद आया होगा नहीं। और आप लोगों को कैसा लगा ये मेंढा तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। सो गाइस, सभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड डू व्हाट यू वांट टू डू बिफोर यू डाई। लिव लाइफ किंग साइज, बूम।